नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, अभी की बड़ी खबर हरियाणा के यमुनानगर से कच्चे कर्मचारियों के बारे में। जिले में नगर पालिका और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कर्मचारी हड़ताल पर रह रहे हैं। यमुनानगर के नगर निगम कार्यालय के बाहर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारी लगातार ही प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं। उनका पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं किया। जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन्होंने कहा, हमारी मुख्य मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेका प्रथा बंद करो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, 29 अक्टूबर 2022 के समझौतों को लागू करो, 8 फरवरी 2023 के पत्र के अनुसार सफाई कर्मचारी सीवरमैनों को नियमित भर्ती के में छूट दो और नियमित करो, डोर टू डोर कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से न्यूनतम वेतन ESI EPFL लागू करो, बेगार प्रथा बंद करो, ठेके पर लगे कर्मचारियों को विभाग में पेरोल पे किया जाए, कौशल रोजगार निगम बंद किया जाए, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। अगर सरकार नहीं मानती तो उसका जिम्मेदार 2024 के इलेक्शन में खुद होगी। हां जी, चेतावनी जारी कर दी है कच्चे कर्मचारियों ने। अभी की बड़ी अपडेट।